एवरीवन, वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए देखते हैं फर्स्ट न्यूज। फोर की लॉज इंक्लूडिंग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट गेट प्रेसिडेंट एडसेंट। तो अभी प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिए हैं फोर इंपॉर्टेंट लॉज, जिसमें आपका इंक्लूडेड है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड साथ ही में फॉर कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड दिल्ली, जो ये दो पास हुए हैं। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा भी रिसेंट मानसून सेशन में पास किए गए थे। जो ये दिल्ली गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट है, ये एस्टेब्लिश करेगा 3-member अथॉरिटी जो हैंडल करेगा ट्रांसफर्स को और पोस्टिंग्स को ऑफ द हाई रैंक ऑफिशियल्स इन दिल्ली। और जो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका एम यू ऑल नो कि मिसयूज ऑफ डेटा को प्रिवेंट करना, जो कि बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा होता है। तो ये अभी इनको एडसेंट मिल गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है सोशल इशू से, दैट यूनिफा प्रोजेक्ट इन राजस्थान फॉर जेंडर सेंसिटिविटी गेट सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट। तो हुआ ये है कि जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड अथॉरिटी है राजस्थान में, ये कोलैबोरेट करने जा रही है ऑन 4-month प्रोजेक्ट प्रमोट करने के लिए जेंडर सेंसिटिविटी को और इक्वालिटी को। एंड साथ में इनिशिएटिव का एम यही है कि हम एलिमिनेट करें कस्टम जो सपोर्ट करते हैं पैट्रियार्कल नॉर्म्स को और साथ में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। तो एक वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी जिसमें आपके 40 जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स एडेड होंगे, क्रिएट करने के लिए एक इक्वल सोसाइटी पे फोकस करने के लिए। एंड साथ ही में जो प्रोजेक्ट है, इसका एम यही भी है कि हम अवेयरनेस रेस करें यूथ के प्रति जेंडर इश्यूज पे और साथ ही में डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स को हम चैलेंज करें और हम वेमेन को एम्पावर करें। तो एम यही है कि हम एक पब्लिक ओपिनियन शेप करें, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करें वेमेन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपके सोशल इश्यूज में लिखने के लिए। नेक्स्ट आपका एनवायरनमेंट से, दैट फ्लाइंग फॉक्स बैड फॉर विजिलेंस व्हाइल दे रोस्टिंग। ऐसा स्टडी ने फाइंड आउट करा है दैट जो है आपका नेक्टर एंड जो फ्रूट ईटिंग फ्लाइंग फॉक्स है, दैट इज द इंडियाज लार्जेस्ट बैड स्पीशीज, ये स्पेंड करती है अबाउट 7% ऑफ इट्स डे टाइम रोस्टिंग, बीन एनवायरमेंटली विजिलेंट, स्कैनिंग फॉर कॉम्पिटिशन एंड डेंजर। अब जो ये बैड्स है, ये कंसिडर किए जाते हैं एज अ की टू द इको सिस्टम बिकॉज दे डिस्पर्स प्लांट सीड एंड दे वर क्लासिफाइड अर्लियर एज वर्मिन अंटिल दे वर गिवन हायर प्रोटेक्शन स्टेटस ड्यू टू देयर रोल इन सीड डिस्पर्सल एंड एज वेल एज इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट है हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, दैट गवर्नमेंट प्लानिंग लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। तो अभी हुआ ये है कि जो भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट है, जो एंशियंट मैथमेटिशियन टेस्ट है जिसमें आपका अर्लियस्ट यूज ऑफ जीरो मैंशनड है, ये प्रिजर्व हुई है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और इंडिया होल्ड करता है न्यूमरस मैन्युस्क्रिप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट अभी इंट्रोड्यूस क्या करने जा रही है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल 2023, जिसका एम क्या है कि हम डॉक्यूमेंट करें, कैटलॉग करें और मेंटेन करें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट। तो बिल में आपका ये फाउंड हुआ है कि हम 10-member नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी बनाएंगे फॉर डिजिटलाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। और जो ये NMA अथॉरिटी बनेगी, इट विल हैव पावर सिमिलर टू अ सिविल कोर्ट, ताकि ओवरसी करना, एक्सेस अलोकेशन करना, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना या कोलैबोरेट करना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, ये सारी पावर्स होगी। तो अल्टीमेट हमारा इसका गोल क्या है कि हम कनेक्ट करें मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी को विद लाइवलीहुड और प्रमोट करें इंडियन हेरिटेज को। और जो एक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट भी ऑलरेडी है, इसमें आपका ऑलरेडी एक डिजिटाइज न्यूमरस मैन्युस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट है आपका लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प कोरल डिस्पाइट वार्म ओशन। तो इसमें आपका एक स्टडी जो है वो हमारा ये बता रहा है, जो पब्लिश की गई है इन नेचर, विच शोज दैट साइमल्टेनियस मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बोथ लैंड एंड सी, इट हैज रिड्यूस्ड कोरल लॉस ड्यूरिंग अ सीवियर मेरीन टाइम हीट वेव विच हैज हैपन इन हवाई। एंड इसने सपोर्ट भी करी है स्टडी ने, that is the survival of the coral reefs after the heat wave. अब coral reefs affect कैसे होते हैं, by various human activity, जैसे कि pollution, overfishing, as well as marine heat waves के भी द्वारा, which at the end causes coral bleaching and death. तो research ये highlight कर रही है
कि जो कंबाइन एफर्ट्स है हमारे या स्ट्रैटेजीज है प्रोटेक्ट करने में कोरल रीफ्स को, बिकॉज रीफ्स विद रिड्यूस ह्यूमन इम्पैक्ट लैंड और सी से एग्जिबिट करता है इंक्रीज कोरल कवर, एंड साथ ही में इट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के साथ इट इज़ द बेस्ट चांस फॉर द कोरल रीफ टू परसिस्ट एडमिस जो भी क्लाइमेट चेंज हो रही है. नेक्स्ट है टीबी डिटेक्शन. इंडिया फार फ्रॉम मीटिंग द 2025 गोल. तो इंडियन गवर्नमेंट का एम तो ये था कि हम एलिमिनेट करेंगे टीबी को बाय 2025 थ्रू द नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान, लेकिन बहुत चैलेंजेस फेस हो रहे थे इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि एडवांस डायग्नोस्टिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने में. तो प्लान का एम क्या था कि हम जो स्मियर माइक्रोस्कोपी है उसको हम रिप्लेस कर दें विद मॉलिकुलर टेस्ट के साथ. किसके लिए? फॉर एक्यूरेट टीबी डायग्नोसिस. अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव चल रहे थे कि हम इंडिया का कैसे हम ये गोल को अचीव करें, पर अभी भी टीबी रिमेन्स लिमिटेड. तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, अर्ली डायग्नोसिस है, ये यहाँ पे अभी भी इंटेंडेड लेवल्स पे नहीं रीच कर पाया है. अब इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? चैलेंजेस जैसे कि मॉलिकुलर टेस्टिंग भी एक चैलेंज है, देन शॉर्टेज है ऑफ ट्रेन पर्सनल. अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू है, इट इज रिप्लेसिंग कि हमें सीमियर माइक्रोस्कोपी को विद मॉलिकुलर टेस्ट के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए. नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से, दैट होमिनिन माइग्रेशन लिंक टू क्लाइमेट शिफ्ट ऐसा स्टडी रिवील कर रही है. अब इसमें आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिसर्चर्स है ये स्टडी कर रहे हैं एक डीप सी सेडिमेंट कोर यूरोप के टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले अराउंड 1.8 मिलियन ईयर्स अगो एक स्टेबल वार्म पीरियड था मेडिटेरियन रीजन में, विच कुड एक्चुअली सपोर्टेड होमिनियन स्पीशीज, लेकिन अब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के कारण इट हैज मेड द एरिया इनहॉस्पिटेबल फॉर द सर्वाइवल. तो जस्ट अ रैंडम फैक्ट और जस्ट टू राइट एन एग्जाम्पल इन योर एसे. नेक्स्ट है साइंस के परस्पेक्टिव से, दैट न्यू अप्रोच रिसाइकल पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक. तो रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है एक तरीका कि हम कैसे जो वेस्ट होता है पॉलीफिन, इसको हम वैल्यूएबल ऑयल फिन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डीप पॉलीमराइजेशन थर्मल टास्क लाइक पायरोलिसिस. तो इसी के कारण हम कर सकते हैं आगे जाके जो ये ऑयल फिन्स है फिर हम इसको यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स में, और एल्डिहाइड्स के बाद ये फिर आगे केमिकल जैसे कि अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंसी हैज स्टॉल्ड. तो जो ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंसी है जो मेजर करती है रेशियो ऑफ कार्बन एसिमिलेशन टू वाटर इवेपोट्रांसपरेशन, इट हैज स्टॉप्ड इम्प्रूविंग सिंस 2001 व्हाट द रिसर्चर्स हैव टोल्ड अस. ये भी ऐसा क्यों हुआ है? मेनली ड्यू टू इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर डेफिसिट विच इज कॉज बाय क्लाइमेट वार्मिंग. नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया मोर अफेक्टेड बाय एल नीनो. तो रिसेंट स्टडी ये हाईलाइट कर रही है चेंजेस एल नीनो में और उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया के मानसून पैटर्न में, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया का मानसून है इट हैज वीकन द एनसो एसोसिएशन सिंस 1981, और जो नॉर्थ इंडिया का रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हुआ है विद 70% जो रेनफॉल फ्लक्चुएशंस है वो एनसो के साथ ही रिलेटेड है, एंड साथ ही में इनका जो इफेक्ट होता है ट्रेड विंड्स पे और इंटरनल मानसून ट्रफ पे. नेक्स्ट अभी डिबेट जो चल रही है आर्टिकल 370 के ऊपर. तो जो अबोरोगेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, इसको डिस्कस करा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा. अब रीजन का जो स्पेशल स्टेटस था वो इनिशियली ग्रांट हुआ था यूनिक सर्कमस्टांसेस के कारण, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस जम्मू कश्मीर एक्सेशन के टाइम पे हुआ था. अब आर्टिकल जो 370 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कंडीशंस रिफ्लेक्ट करता है कि अभी भी एक लिमिटेड स्कोप है फॉर इंडियाज लेजिस्लेटिव पावर इन द स्टेट. अब जो रिमूवल है आर्टिकल 370 का जो 2019 में हुआ था, इसमें आपके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स इन्वॉल्व थे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी इन्वॉल्व थी, कुछ लीगल इश्यूज भी इन्वॉल्व थे कि वेदर ये स्टेटस परमानेंट है
क्या ये यूनियन गवर्नमेंट इसको यूनिलैटरली इट कुड अफेक्ट ऑल्टर द स्टेट रिलेशनशिप, या फिर जो आर्टिकल 370 है इट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है, व्हाई हैज गवर्नमेंट कॉल फॉर पीसी इंपोर्ट कब? तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, सर्वर, जैसा कि हमने देखा था स्पेसिफिक कैटेगरीज में, यही एम है इनका कि रिड्यूस करें हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड साथ ही में हम बूस्ट करें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को. अब इसमें हमें पता है कि इंपोर्ट जो होगा उनको एक वैलिड लाइसेंस लेना होगा विद सर्टन एग्जेम्पशन फॉर देयर रिसर्च, रिपेयर, कैपिटल गुड पर्पस.